हकीकत सच से कोसों दूर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हैदराबाद में, जहां की एक सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय ने मरीज को व्हीलचेयर देने से इनकार कर दिया। मरीज का ये आरोप है कि उसने इसके लिए 1.5 रुपए रिश्वत नहीं दी, जिसके बाद उसे बच्चों की ट्राईसाइकिल पर अस्पताल लाना पड़ा। इस खबर के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई लिखित शिकायत मिली ही नहीं है। उन्हें मीडिया के जरिए ये पता चला है, जिसे हम देख रहे हैं। इस बीच IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर KK अग्रवाल ने इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। टीचर को पैसे पूछता, पट्टी देने को पैसे पूछता उन्हें। अब ये गाड़ी पे गया मैं, कल ही गया हॉस्पिटल में, कल ही जा गया। कल जाते कि एक साहब मिलके क्या करा, व्हीलचेयर है ना वहाँ लेके जा सकते ना बोल के बोला। व्हीलचेयर कौन दे रहा साहब, पैसा पूछ रहा। आजकल जमाने पैसे नहीं तो नहीं चल रहा कोई, पूरी फ्री में तो नहीं देख रहे। ये गाड़ी आज लेके गए थे, कल लेके पैसा पूछ रहा बोल के मैच बोला। मेरी पत्नी को गाड़ी लेके चल जाके बता लेके बोल के मैच बोला, पैसा पूछ रहा। फिर क्या कर रहा सब खोल देता। इसके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ले और सब अस्पतालों को ये बार बार उनको बताना चाहिए कि इस प्रकार की हरकतें करने वालों को नौकरी में नहीं रखा जाए, और अगर इसमें रेगुलेशन नहीं है तो अस्पताल को ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए।